खाते हैं। मम्मी कहाँ है? मम्मी है, सो रही है। लाइट ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। मम्मा हेलो, गुड मॉर्निंग। मम्मा काव्या सोने मत देना। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे, जय श्री राम। एक और नए दिन में आप सबका स्वागत है। चलिए भाई उठते हैं, देखते हैं कुछ काम दाम। लो जी, कमरा मरा मेरा हो गया सारा साफ सुथरा। अब आ गई हूँ मैं किचन के अंदर, और साथ ही साथ मेरे ये जो संतरे के छिलके मैंने सुखाए थे वो मैंने पीस लिए हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से, और अब इनको पीस लिया है मैंने। अब मेरा एक जो खाली डब्बा रहता है जिसके अंदर मैं तकरीबन ये पेस्ट वगैरह अपनी फेस पैक के लिए जो बनाती हूँ मिक्सर वो रखती हूँ। अब उसके अंदर कंटेनर में इसको रख देंगे, और जब टाइम होगा, जब इसका बढ़िया सा फेस पैक बनाएंगे और लगाएंगे फेस पे, आप भी रेडी करके रख लेना। और उधर वो काव्या का देखो तूफान, उसने तूफान मचाया हुआ है वहाँ पे, सब कुछ गिरा विरा के बैठी हुई है खेलने के लिए। तो चलो भी काम निपटाते हैं, शायद आज मुझे कहीं जाना भी पड़े, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से काम खत्म करूँ और टाइम से निकलूँ। कैमरा अपने आप ही ऑन हो गया। ये देखो, इधर काव्या को तो मैंने दिया है नहला, इधर काव्यांश भी नहा चुका है। अब रह गई बारी मेरी नहा दो के, अब फिर चलते हैं कहीं पर मिलने किसी से और एक जरूरी काम कराने। हम तैयार जाने के लिए, काव्या बैठी हुई है। काव्यांश को छोड़ा है हम घर पर ही, क्योंकि उसकी ट्यूशन था आज का और उसे पढ़ाई करनी थी। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या, वो वहाँ पे बहुत तंग करता है मेरे को नानी के घर पे। हाँ, हम जा रहे हैं काव्या की नानी के घर पे, वहाँ पे है एक जरूरी काम, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि हम क्यों जा रहे हैं। ये सो गई है और हम पहुँच चुके हैं। तो भाई हम पहुँच गए नानी हाउस। कहाँ गई काव्या? हम नानी के घर पे। लो भाई हम तो आ गए भाई, अब इसका एक जरूरी काम है वो हमें पूरा करवाना है, तो थोड़ी देर में फिर वापस चलेंगे वहाँ पे। वो देखो सारे लेटे हुए आराम से, अब भाग आएंगे मेरे बच्चे हमें देख के। सब किराएदार आने चाहिए। यह मेरी माँ, यह मेरा भतीजा लकी। ले ले खा ले, खा ले। क्या खा रही है? फिश खा रही है तू? चल पड़े हम उस जरूरी काम से जिसके लिए यहाँ पे आए थे। अभी बताती हूँ आपको कि वो जरूरी काम क्या है। तो भाई चल पड़े हम आए थे, जरूरी काम क्या था? काव्या की वैक्सीनेशन। आज उसके 2 साल वाले जो इंजेक्शन है वो लगेंगे, तो उसके लिए हम आए थे काव्या को आई कराने। तो चलो भाई करवाते हैं इसकी वैक्सीनेशन। यहाँ पे जो हमारे रिलेटिव हैं, जो डॉक्टर हैं, तो पेनलेस लगवाती हूँ मैं इसको इंजेक्शन, तो यहाँ पे इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं। दूसरी बात, वो लगा देते हैं, उसके हाथों से काव्या रोती भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आती हूँ मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। मम्मी और मैं चल पड़े आगे हम इंजेक्शन लगवाने काव्या को। ये मट्टी खाती है ना, ठीक है नहीं लगवाई। लो भैया हम वापस बैठ लिए रिक्शा में, लगवा के काव्या को इंजेक्शन। काव्या बता दे गाइस को, सुई लग गई? नहीं, सुई लगवाई थी काव्या ने? नहीं। कैसी लगी? आई हो गई थी? हाँ। बस भैया यही रोक दो। हाँ यही रोक दो भैया। लिया घर, इविया खेलन लग रही है अपनी बाण की गैल, लगवा के दो इंजेक्शन। उड़ाओ, उड़ा दो टॉप इसने। टॉप टोपा भी पहनेगी? कैसी लग रही है तू चश्मे में? नहीं चश्मे नहीं, चुहे को खुला दे, चुहे को दिखता नहीं है, ऐसे नीचे करके देखना पड़ रहा है। टोपे ले लो, चुहे आ जा, चुहे आ। ये तो मना ले, क्या बाहर हो जाएगा, चुहे तो चुहे ले ये मिट्टी पर नहीं, काफी है चुहे ले, नीचे करके देखना पड़ता है इसे इस तरह। हां हटो ना, पहले तो ठीक है, उसकी पिट्टी कर। मछली ले आ दे, मछली खाओगी? मछली बनाओ, कौन से तिल की मोरे गंद लग रहे होगा। ये देखो भाई शाम होगी, लेटे लेटे यही। अरे काव्या रानी आधी नींद में इसको बिजी कर रखा है कि कहीं ये सो ना जाए,
तो इसीलिए इसको बिजी करके रखा हुआ है अभी तक। साबुन जी सी मैं एक एक पॉप पॉप खोल रही है, मुंह में डाल रही है, खाना कुछ नहीं। अच्छा या या नहीं खाती, खावा है कि नानी भी पॉप पॉप ये देख लो देख ली भाई नानी ही देती, दोनों पॉप पॉप खान लग रही है किसी मजे ले कर पॉप हमारी माँ भी पॉप पॉप की रहेगी मैं लेटे हो गई शाम बड़ी आलकस, कुछ करने का मन नहीं। जब आई थी और मेरा देवशीष भी है, बुआ का बेटा, बुआ का बेटा भी है, आई थी जब लौटी थी मैं इस बेड पे, अरे भी हो टाइम आ लिया मैं नहीं उठी पानी पीड़ते ही भी इस आलकस आ जाए अपने घर आके। ओए होए बस पूछो मना काव्यांश गया भाई अपने दादा दादी यार के साथ विथ चाचा चाची हाईवे किंग खाना खाने के लिए। ये होया ये करे उनका जब मैं निकला करूँ ना कहीं बाहर, जब उनका घूमने का प्रोग्राम बनया करे मेरा ना मैं के पाँ पे पाँ धरू मेरी मम्मी ने कहे तो ना लेके जा नहीं बहू ने ले जा मैं पुरानी होगी देख लो कोई बात ना भाई हम भी मौज कर रहे हैं, हम आराम से रेस्ट पे हैं, कित जाडे में खाम खा के धक्के खाने थे और यड़े भी पार्टी चल रही है मौज हो रही है। ये मेरी भाभी ने कर दिया ऑर्डर, एक बार आराम से आएगा बढ़िया खाएंगे आराम से दही बल्ले भाई, अरे मौज हो रही है बर्गर आए। मेरी भतीजी ने बता दिया मेन्यू, तो क्या जरूरत है फिर बाहर जाके ठंड में मर के खाने का क्या फायदा, आराम से घर बैठ के कंबल में बैठेंगे आराम से टीवी देखेंगे और खाएंगे मौज है। ये देखो लग रखी है काव्य कर रही है ना सारे ना बिजी कती बढ़िया तरिया तो भाई मारे भी दही बल्ले आ गए हम भी खा लेते हैं। काव्यांश वहां मौज कर रहे हैं हम यहाँ कर लेते हैं। ये लॉलीपॉप वाली लड़की बैठी है यहाँ पे जो लॉलीपॉप खा रही है अभी तक गोलगप्पे खा लो गाइस। अरे ये देखो मेरी माँ का खाने का तरीका, पेठे की मिठाई की गैल टिक्की खा वो खावा दही बल्ले है। हाँ ये पेठे की मिठाई और इधर से फिर खाती है ये दही बल्ले माता रानी। आप ये मत समझना ये कोई नया ट्रेंड है, यही के पोते का दिया और ट्रेंड है, ये पोता रहा ये इतनी मिर्च गिरवा कर ला रहा है पेठे की मिठाई की गैल स्वाद लेने लग रही है जबरदस्ती लग रही है छोड़ूंगी तो नहीं इससे नाराज हो गया है इसका भाई देवशीष और ये उसको मना रही है, ये प्यार करने जा रही है अपने भाई को मनान लग रही है इसने लो भाई यहाँ पे मेरी लड्डू रानी भी सो गई या उठ गई फोन ऑन करते के साथ, इंजन सो गए मेरे बालक छोटे छोटे से। तो चलो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम राधे राधे, ध्यान रखिएगा अपना।